Good morning, friends. So, this video is brought to you by CareerKul. हम लोग एक छोटी सी फर्म हैं, which is trying to get you कि दुनिया में कितने करियर्स हैं, उन करियर्स को करने के लिए किस तरह के इंसान होने चाहिए आप, plus कौन से एग्जाम्स हैं दुनिया में, और उस एग्जाम को देने के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो सिलेबस होगा वो हम डिस्कस करेंगे, जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, प्लस हम कुछ सैम्पल पेपर्स ज़रूर अपलोड करेंगे कि यू कैन प्रैक्टिस एंड देन वी कैन चेक देम एंड यू कैन गेट अ गुड स्कोर. सो दिस इज करियर कुल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. फॉर टुडेज वीडियो वी आर गोना डिस्कस द सेकेंड पार्ट कि इफ यू वॉन्ट टू डू अ पोस्ट ग्रेजुएशन अब्रॉड, अगर आप अपनी हायर स्टडीज बाहर करना चाहते हैं तो किस एग्जाम को आपको देना जरूरी है. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम that you have to give if you want to study abroad is GRE. The second exam is GMAT and the third exam is GATE. Now you'll wonder why GATE kyun? Because you wouldn't know that there are many universities Germany mein, Austria mein, jo aapke GATE ke score pe aapko admission deti hain. Theek hai, to aaiye thoda sa hum log dekhte hain ki GRE mein actually hota kya hai. GRE ka full form hota hai Graduate Record Examination. ये वो लोग देते हैं जिनको एमटेक करना होता है यूएस से. एमटेक उसको वहां यूएस में कहते हैं मास्टर्स ऑफ साइंस. मैं यूएस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूएस में तो ये मैंडेटरी है. अगर आप यूएस की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आपको जीआरई तो देना ही है. बट अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दे कंसिडर योर जीआरई स्कोर्स. वो आपके जीआरई स्कोर्स पे भी आपको एडमिशन देते हैं और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है. बट एक जनरल आइडिया ये है कि यूरोप में हो सकता है आपको जीआरई स्कोर ना चाहिए हो. मोस्ट प्रोबेबली 90% यूनिवर्सिटीज नहीं लेती हैं, बट यूएस में 100% यूनिवर्सिटीज लेती हैं. सेकेंड एग्जाम जो आप देना है हमको फॉर स्टडिंग अब्रॉड इज ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट. तो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट किसी भी बिजनेस स्कूल जहां पर आप एमबीए कर सकते हैं उनको ये स्कोर चाहिए ही होता है. आजकल तो इंडिया में भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टडी इन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, द मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल्स आफ्टर आईआईएम्स, सो यू हैव टू हैव अ जीमैट स्कोर इफ यू वांट टू स्टडी देयर. सो इंडिया के बाहर तो किसी भी बिजनेस स्कूल में इफ यू वांट टू स्टडी देन यू हैव टू गिव जीमैट. थर्ड वन इज गेट. गेट इज फॉर एमटेक इन इंडिया, but there are some universities, some of the top universities in Germany like Technical University of Munich which considers your GATE score. So if you are getting a GATE score which is good and you are getting a rank let's say around 1000, so 1000 is a decent GATE rank, but you might not get the best of the IITs. But with that rank you can apply to Germany and you can study in the top university there, because unko pata hai yahan pe kitna competition hai. So they consider such ranks which maybe the higher IITs do not consider. Let us come to who has to give the exam. So if you want to do an MS, if you want to do a master's in science, that is MTech. Agar hum chaltau bhasha mein baat kare MTech, to aapko agar MTech karna hai to aapko GRE dena padega. Agar aapko MBA karna hai to aapko GMAT dena padega. The next point which is important is what is the total marks? Total marks, how much is each of these exams? So the first exam GRE is of 340 marks. GRE is of 340 marks. Before it used to be of 1600 marks, maybe 7-8 years ago in 2011, I think so they changed. And now it is of 340 marks. एंड जी आर ई के बारे में मैं क्योंकि ये वीडियो खास कर की बना रहा हूँ यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो मैं एक बता दूँ कि ये एक अडेप्टिव टेस्ट है. पहले क्या होता था जी आर ई में 2010 में कि अगर आपने पहला क्वेश्चन गलत किया तो आपको उससे ईजी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप वो सही करिए फिर टफ, और हो सकता था आपको उसी लेवल पर फिर वो चेक करते रहे फिर आपका एक लेवल बढ़ाए. तो क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ती रहेगी. ये होता है अडेप्टिव टेस्ट. अब क्या हो गया, सेक्शन अडेप्टिव हो गया. अगर आपने अपना पहला सेक्शन अच्छे से नहीं दिया तो जो नेक्स्ट सेक्शन होगा थोड़ा इजी हो जाएगा. तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं कैसे सबसे कंपीट करूंगा, तो ये सबसे अच्छी फायदा है आपको जीआरई में. क्यों? बिकॉज आपको खुद से कंपीट करना है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम. जिस डिफिकल्टी लेवल पर भी आप हैं आपको उसी डिफिकल्टी लेवल पर
आंसर करते जाना है. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट GRE. सो बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन नोएडा, इन लखनऊ, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूपी, दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ दिस एग्जाम. बिकॉज एज स्टूडेंट आई नो हम लोग इंडियंस कितने स्ट्रेस रहते हैं कि यार कैसे पार होगा एग्जाम. एंड सिंस आर क्लास 10th वी हैव बीन जस्ट रनिंग अराउंड कि हम किसी तरह बस एग्जाम्स पास कर लें. सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू दैट GRE इज एन अडेप्टिव टेस्ट. इफ यू आंसर रॉन्ग यू गेट अ ईजियर क्वेश्चन एंड दे कीप यू ऑन दैट ट्रैक एंड देन दे इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल आफ्टर सम टाइम. If you don't answer that correctly, they keep you at a level and you can score reasonably well. So, GMAT is not an adaptive test. It is of 800 marks. Out of 800, if you're getting near about 700, it's a good score. 700 is a good GMAT score. Next comes the validity. Kitne saalon tak aapka GMAT score apply karne layak hai aur consider kiya jayega, wo hai 5 saal. 5 साल तक आपका GRE स्कोर, GMAT स्कोर दोनों कंसिडर किए जाएंगे. सिलेबस का वीडियो हम लोग डिटेल्ड बनाएंगे बाद में, क्या क्या आता है. एंड हम कोशिश करेंगे कि सैम्पल पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चंस अपलोड करें एंड वी गिव यू अ स्ट्रैटेजी हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज टू एग्जाम्स प्लस सैट. सो द सिलेबस इज वर्बल, दैट इज इंग्लिश, एंड द नेक्स्ट इज क्वांट, दैट इज मैथ्स, और फिर राइटिंग. सो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है. GRE का सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है पिछले 7 साल में. एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हटा दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, ज्योमेट्री आ गई है, GMAT भी काफ़ी बदल रहा है धीरे धीरे. सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू कैट, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैट. सो आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यू गेट एन आइडिया कि कौन से एग्जाम्स हैं. सो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 3 एग्जाम्स हैं. GRE अगर आपको MTech करना है, GMAT अगर आपको MBA करना है, और तीसरा है GATE. GATE is accepted by certain universities. So I hope you like this video. Leave your comments in the section below and also subscribe to our channel CareerKul, the educational gurukul. Thank you very much.